विश्व बलय राजधानी दिल्ली रे भयंकर वायु प्रदूषण। आज सकाल सकाल कुहुड़ी मिश्रित धुआं बा स्मग्र एक आस्तरण वायुमंडल को आच्छादित कर रखी। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्राय 300 को खसी। अक्षरधाम एवं आनंद विहार अंचल में वायुर मान अत्यंत खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अति खराब बोली कही। नड़ा जालिबा बहु गाड़ी चलाचल जोगु एभली वायु प्रदूषण बढ़ुची। केवल वायु नदी जल मध्य बहु मात्रा रे प्रदूषित होईची। यमुना नदी रे विषाक्त फेण देखा मिली। आगकू छठ पूजा थिबा बेले यमुना नदी रे विषाक्त फेण चिंता बढ़ाई। ए जलचर जीव एवं लोकंको स्वास्थ्य पई एहा क्षतिकारक बोली कहा जाईची। हम यहाँ यमुना सफाई करने आए हुए हैं। 3 साल से हम यहाँ यमुना सफाई कर रहे हैं और हमें यमुना सफाई करके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम यमुना को जैसे गंगा को माता मानते हैं ऐसे यमुना को भी अपनी माता मानते हैं। पर जो सरकार है उनका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार को जब भी याद आता है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पर्व आता है और सरकार 365 दिन सोती रहती है। सरकारों को बजट तो पास होता है पर सरकार लगता है कहीं यूज नहीं करती। हम लोग ये सफाई अभी यमुना की कर रहे हैं। जितना भी ये तट पे आया हुआ है बाहर में जितना भी ये कचरा जो बह के आ रहा है वो साइड में आगे हम लोग बस उसका सफाई कर रहे हैं। और अंदर जितना इसमें पॉल्यूशन बह रहा है, इसमें अंदर जितना सारा कचरा बह रहा है वो उसका तो सफाई हम लोग कर नहीं पा रहे। हम लोग जितना अपने से पॉसिबल हो रहा है हम लोग उसका सफाई कर ले रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यमुना नदी है, इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है, बस नाला बह रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब नदी बच गई है, ये अब मरने के कगार पे। आने वाले 3 से 4 सालों में ये एकदम विलुप्त हो जाएगी। इसमें सिर्फ नाला ही बचेगा। वो तो अभी थोड़ा बारिश हुआ है जिस वजह से थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा है। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो बस इसमें थोड़ा सा नाला बहरा मिलता आपको। अब ये पास आके देख रहे तो कितना ज़्यादा गंदा, ये उससे ज़्यादा गंदा है कि बस हम दूर से देखते थे ये चीज़ें। तो ये है कि अब क्लीनिंग का पार्ट बने, पता चला है कि कैसे मतलब क्लीनिंग एग्जैक्टली होती कैसे है। तो वो यहाँ पे आके पता चला है कि कितना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, हार्मफुल है हमारे लिए। कितना इसमें से फ्यूम्स आ रहा है, हमें ही इफेक्ट कर रहा है और यही पानी हमारे घरों में जा रहा है। तो ये सब हमें इनडायरेक्टली भी हमें ही इफेक्ट कर रहा है। हम गंदगी के जितनी लोग यमुना को गंदा रख रहे हैं वो लोगों को ही बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा गंदा है। हमने भी कभी इतना सोचा नहीं था कि हमारी यमुना इतनी ज़्यादा गंदी है। हमारे घरों में पानी इसी से पीने का आ रहा है और हमने कभी दूर से ही बस देखा है ये सारी चीज़ें कि गंदगी फैल रही है। बट ऑन द ग्राउंड लेवल हमें आज इधर ही इनके साथ जुड़ने के बाद पता चला है। जब हम यमुना मिशन पे आए हैं क्लीनिंग के तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितना ज़्यादा ग्रीस बढ़ गया है, केमिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं। हरियाणा के किसानों पर जुल्म ढाने से बेहतर होगा केंद्र सरकार जो हर काम में दखल देती है वो अपने एलजी को कहे कि जो संसाधन केंद्र मुहैया कराए और पोल्यूशन कम करने के लिए दुनिया में इस्तेमाल होता है वो दिल्ली के निवासियों को इससे निजात दिलाने के लिए प्रयोग करें। पैसा खर्च होगा पर दिल्ली के लोगों की जान तो बचेगी। दूसरा, इसके लिए मैं भाजपा सरकार को केंद्र की दोषी मानता हूं और प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार को। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा हुआ है, वहीं मुंबई के अंदर गुड कैटेगरी के अंदर है। पहले ये कहा करते थे 2015 में कि हम यमुना को क्लीन कर देंगे, फिर 2020 में कहा, अब 24 आ चुकी है और यमुना की स्थिति आप देख सकते हैं। पहले कहा करते थे कि अगर पंजाब में सरकार बन जाएगी तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पंजाब में भी इनकी सरकार है और कल ही भगवंत मान ने बक को कहा कि इसे मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। तो साफ ये दर्शाता है कि इनकी नीयत दिल्ली के भविष्य, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की है। दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा को नहीं प्रोफेसर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेशविद कौन कहते आसन सुनवा। भारत बर्षर राजधानी दिल्ली वर्तमान प्रदूषण राजधानी रूपांतरित है। प्रत्येक वर्ष नवेम्बर मस पाखापाखी ये समस्या एते गंभीर रूप धारण करुछि एवं विभिन्न आलोचना होतबा सत्ते कार्यानुष्ठान ठीक भाव में ग्रहण करा जाउ नाही, जोथिपाई कि ए भरी प्रक्रिया चालू रही। वायु प्रदूषण यार गुणात्मक मान यथेष्ट निम्न स्तर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रत्येक दिन सूचई दौची जे प्रदूषण मात्रा वृद्धि पाउछि। अन्य पक्षरे यमुना जल एते भाव प्रदूषित हो चली जो आप देखुंत बर्तमान पानी उपरे गोटे फुट उच्चरे फेण भासुची ये सूचई दौर प्रदूषण मात्रा यथेष्ट गंभीर रही जिते यमुना दिल्ली को प्रवेश करुचे आरो गुणात्मक मान जानापी पानी जो बीओडी मपा जाउछि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड केते प्रदूषण होइछि एवं बैक्टीरिया माने से प्रदूषण को भांगिकरी नष्ट करिया पई केते परिमाण रो ऑक्सीजन बा अम्लजान दरकार करछंती ताकू आमे बीओडी भाव रे मापू कार परिमाण जेतेबेले 3 मिलीग्राम रहुछि दिल्ली रे पसिबा पूर्वरु यमुना जल रे दिल्ली अतिक्रम करिवा परे पाखापाखी 25 किलोमीटर पर जेतेबेले ए बीओडी मपा जाउछि ये 50 अतिक्रम कर जाउछि केतेबेले 70 अतिक्रम कर जाउछि ये सूचई दउछि प्रदूषण मात्रा यथेष्ट गंभीर रही जो भाव में 3.5 कोटी लोक बसवास करथुवा दिल्ली सहरर विभिन्न अंचल प्रदूषित जल बिना प्रक्रियाकरण ट्रिटमेंट नहैकरी ताकु सीधा सड़क यमुना मध्य को छाड़ दिया जाउछि से विभिन्न कलकारखाना शिल्प रही प्रदूषित जल यमुना मध्य को आसूची व्यावसायिक प्रतिष्ठान रही कि बाह्य अंचल किसी कृषि क्षेत्र रही जो रासायनिक सार अधिक परिमाण में वर्षा जल बही आसिक नदी में पहुंचुची अक्टोबर मास बेलू जिते बर्षा बंद हो जाए नदी जल विशेष भाव में स्रोत प्रवाहित हो नहीं से समय ये जल स्थिर रही जिते प्रदूषित पदार्थ विभिन्न उत्सव आसूची से सब भितर प्रतिक्रिया है रिएक्शन होकर फेण सृष्टि हो सूचई दौर ये पानी रे बहुत परिमाण फॉस्फेट रही